छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में अधिकारी कर्मचारी 25 जुलाई से हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिसका आज आखिरी दिन था। आपको बता दें कि अधिकारी कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के नेतृत्व में रैली निकाली, जिसके बाद वे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह 5 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल थी और अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हम लोग 200 की मांग को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। ये केंद्र के सम्मान 34 से डीए और 7वें वेतन के आधार पे हमारा गृह भाड़ा भत्ता, पूर्व में हम लोगों ने 30 मई को सूचना दिया था, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में हमने 29 जून को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे और यह हमारा 5 दिवसीय तृतीय चरण का है। यदि सरकार हमारे दो मांगों को नहीं मान गई, आगामी समय में विवश होकर हमें अनिश्चितकालीन आंदोलन करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नाम से राज्य शासनिक कर्मचारी एवं पेंशनरों के द्वारा समान महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है।